गुड आफ्टरनून चिल्ड्रंस, आज हम हिंदी का पार्ट 4 पढ़ेंगे, शिक्षा का महत्व। देखिए, आपको ऊपर एक एक्टिविटी दी है, आप सबसे अधिक समय तक क्या कार्य करते हैं, है ना, उस पर आपको राइट का टिक लगाना है। देखिए, किसी नगर में आशीष नाम का एक शरारती बालक रहता था। आशीष खेल कूद में सबसे आगे पर पढ़ाई में सबसे पीछे था। परिवार में सब अक्सर उसे समझाते पर उसके कानों पर जू तक न रेंगती। उसे समझ नहीं आता था कि सभी लोग उस पर पढ़ाई के लिए जोर क्यों डालते हैं, है ना। एक आशीष नाम का लड़का था, वो बहुत शरारती था, वो पढ़ाई नहीं करता था और खेलकूद में बहुत आगे था और पढ़ाई में पीछे था, है ना। जो उसके घर वाले थे, परिवार वाले थे, उसको सब समझाते थे, है ना, पर उसके कानों पर जू तक नहीं रेंग, जू मीन्स जू तक नहीं रेंगना, मतलब उसको समझ में नहीं आता था, वो सुनता ही नहीं था किसी की भी, है ना। तो उसके बाद देखिए, आशीष की परीक्षाएं शुरू हो गई थी। मम्मी पापा ने उसे पढ़ाई में मन लगाने के लिए कहा। फिर उसकी एग्जाम स्टार्ट हो गई। परीक्षा मीन्स एग्जाम, है ना। है ना, कहाँ मानने वाला था। उसके पापा ने गुस्से में उसको बाहर खेलना बंद कर दिया। आशीष अब दिन भर अपने पालतू कुत्ते जेकी के साथ घर में ही खेलने लगा, है ना। उसके बाद उसकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके पापा ने उसको बाहर खेलने से मना कर दिया। फिर उसका एक पालतू कुत्ता था, उसका नाम क्या था, जेकी, वो उसके साथ घर में ही खेलता था। परीक्षाएं समाप्त हुई और रिजल्ट निकलने का दिन आया। फिर वही हुआ जिसका सभी को डर था, आशीष सभी विषयों में फेल था। शाम को उसके पापा ने उसे खूब डांटा, वह रात भर रोता रहा। उसने निश्चय किया कि वह अब घर में नहीं रहेगा, है ना। फिर एग्ज़ाम ख़त्म हुई, उसके बाद में उसका रिजल्ट आया, फिर वो क्या हुआ, फेल हो गया वापस। फिर उसके पापा ने उसको डांटा। फिर उसने क्या बोला, उसने क्या सोचा कि अब मैं घर में नहीं रहूँगा। सुबह वह सबसे पहले उठा, चुपचाप अपना सामान बैग में रखा और अपने प्यारे कुत्ते जैकी को लेकर घर छोड़कर चल दिया। चलते चलते वह काफ़ी दूर पहुँच गया था। थककर वह एक झोपड़ी के पास जाकर बैठ गया। झोपड़ी एक बेहद गरीब परिवार की थी, है ना। फिर वो क्या करा, उसने जैसे सुबह हुई वह अपना बैग में सामान रखकर अपने कुत्ते को लेकर चल दिया। फिर चलते चलते वो बहुत दूर चला गया। फिर वो थककर एक झोपड़ी के पास जाकर बैठ गया। उस झोपड़ी के अंदर कौन लोग रहते थे, गरीब परिवार के लोग रहते थे। परिवार का मुखिया अपनी पत्नी से कह रहा था, आज तो घर में खाने को कुछ भी नहीं, पता नहीं कब तक ऐसे ही भूख और गरीबी में रहना पड़ेगा। जो परिवार का मुखिया था, मुखिया मीन्स जैसे हमारे घर में बड़े होते हैं ना, पापा होते हैं, दादाजी होते हैं, जो भी है ना, उनको मुखिया बोलते हैं। तो जो परिवार का जो मुखिया था, यानी है ना, तो उन्होंने क्या बोला अपनी पत्नी से कि अब घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है, हमें कब तक ऐसे भूखे रहना पड़ेगा, गरीबी सहनी पड़ेगी। उसकी पत्नी बोली, आप चिंता ना करें, जब हमारा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा तब हमें खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। तो जो उनकी पत्नी थी वो क्या बोली कि आप चिंता मत करो, जो हमारा बेटा है वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और उसके बाद हमें खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तथा सभी सुख सुविधाएं भी होंगी, है ना, और सारी जो सुख सुविधाएं वो भी हमको मिलेगी। तभी आशीष की दृष्टि झोपड़ी के एक कोने पर पड़ी। उसने देखा कि एक छोटा लड़का लालटेन की रोशनी में बैठा पढ़ रहा था। यह सब देखकर आशीष की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, इतने अभावों के बाद भी यह लड़का कितना मन लगाकर पढ़ रहा है, ताकि इसके घर वालों को कोई कष्ट न हो। उसी समय आशीष ने निश्चय किया कि वह भी खूब मन लगाकर पढ़ेगा और बड़ा होकर गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करेगा। अब वह जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था। तभी आशीष ने झोपड़ी के कोने में क्या देखा कि एक जो बच्चा था वो क्या वहाँ पर बैठकर जो लालटेन होता है रोशनी में पढ़ रहा था। तो आशीष ने ये सब देखा और उसके मन में उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, देखो मतलब वो बच्चा कितना गरीब है, इतनी परेशानी में है, तब भी वो मन लगा कर पढ़ाई कर रहा है ना। उसके बाद उसने क्या सोचा, अब मैं अपने घर जाऊँगा, है ना, और खूब मन लगाकर पढ़ूंगा और सभी जो गरीब बच्चे हैं उनकी मदद भी करूंगा, है ना। फिर घर में सभी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। घर आकर उसने सारी घटना बताई और मन लगाकर पढ़ने की बात कही। उसकी बात सुनकर सबने उसे गले से लगा लिया। फिर
फिर सब घर पर उससे मतलब उसका इंतज़ार कर रहे थे कि वो कहाँ चला गया है ना। तो सब खुश हो गए उसको देखकर, है ना। और उसने सारी जो उसने देखा था, सारी जो घटना थी वो अपने घर वालों को सुनाई, है ना। और उसने क्या कहा अपने घर वालों से कि मैं अब खूब मेहनत करूँगा और पढ़ाई करूँगा, है ना। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको लेसन पढ़ना है। थैंक यू।